कल सावन पूर्णिमा के दिन कितने सालों के बाद संयोग बन रहा है, क्या क्या संयोग बन रहा है, इससे किन राशियों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। इस बार 19 अगस्त को रक्षाबंधन का जो है, जैसे कि राखी पूर्णिमा जिसको कहते हैं, वह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो इस बार जो है बहुत दिनों के बाद ऐसा संयोग मिल रहा है कि पूर्णिमा तिथि में श्रवणा नक्षत्र पूर्णिमा तिथि में सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और सौभाग्य योग बन रहा है। तो इस ऐसे संयोग से तीन राशि वालों के ऊपर शंकर भगवान की विशेष कृपा होने जा रही है, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा जो है वह शंकर भगवान के नाम से अर्पित रहता है। तो शंकर भगवान तीन राशियों पर विशेष कृपा बरसाने जा रहे हैं। तो उस दिन करना क्या है, भगवान शंकर की विशेष पूजा करना है, अर्चना करना है, अभिषेक करना है। आपके आसपास में जो भी शंकर भगवान का मंदिर हो उसमें आप जाकर के जलाभिषेक अवश्य करें। तो तीन राशि वाले कौन कौन हैं, मेष, मिथुन और धनु राशि। मेष, मिथुन और धनु राशि वालों के लिए, ये तीन राशि वालों के लिए शंकर भगवान की विशेष कृपा होने जा रही है। इसलिए ये तीन राशि वाले पूर्णिमा के दिन अवश्य शंकर भगवान की पूजा अर्चना करें।